जान फिल्म प्रोडक्शन प्रेजेंट्स ज्ञान चर्चा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। दोस्तों, जान फिल्म प्रोडक्शन एवं हर्ष शाक्य की ओर से आप सभी धम्म प्रेमियों को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर कोटिश मंगल कामनाएं। दोस्तों, आज ज्ञान चर्चा में बात करते हैं तथागत बुद्ध के कुछ धम्म उपदेशों की। बुद्ध का जन्म सुखदायक है, बुद्ध की बोधि सुखकर है। दोस्तों, कुछ नासमझ और नादान लोग बुद्ध पर दुखवादी होने का मिथ्या आरोप करते हैं। आरोप है कि बुद्ध दुख की बात करते हैं, बुद्ध सुख की बात नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, बिना कारण दुख उत्पन्न नहीं होता है। दुख का कारण है तो दुख का निवारण अर्थात उपाय भी है। दुख निरोध का उपाय है तो उसका रास्ता भी होता है। बुद्ध की यह सत्यवाणी को बिना समझे कुछ नादान लोग बुद्ध पर दुखवादी या निराशावादी होने का लांछन लगाते हैं। दोस्तों, एक वैज्ञानिक के भांति बुद्ध ने दुख रोग को जाना, दुख के कारण को जाना, जिनके कारणों से दुख उत्पन्न होता है उसे दूर करने का उपाय भी जाने और जानने के बाद दवाई के रूप में मार्ग दिखाया। बुद्ध की अनोखी खोज को आज आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। आर्य शब्द जाति के अर्थ में ना होकर श्रेष्ठ अर्थ में प्रायोजित है। बुद्ध ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग भी है। तो दुख निरोध का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध करने का प्रायोजन सुख के लिए है। यह बात को नजरअंदाज करके धम्म द्वेषी लोग बुद्ध पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। बुद्ध ने कहा अरोग परमा लाभा संतुष्टि परंग धनंग बिस्सा सपराम आति निब्बानम परम सुखम। धम्म पद में बुद्ध ने कहा है निरोग होना परम लाभ है, संतोष परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। बुद्ध ने दुख मुक्ति के लिए उपदेश दिया है, इसलिए बुद्ध सुखवादी हैं न कि दुखवादी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध ने कहा शांति पद की प्राप्त करने वाले कल्याण साधना में निपुण मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति मैत्री करें। सुखनो व खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता। सभी प्राणी सुखी हों, क्षेम हों और सुखी व्यक्ति हों। ये केचि पाण भूतत्थि तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महंता वा मज्जिमा रसिका अड़क थूला दिट्ठा वा एव अदिट्ठा ये च बसंति अबदूरे भूता व संभवेशी व सब्बे संता भवन्तु सुखित्तता। अर्थात जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान, मध्यम या हश्व, अणु या स्थूल, दृश्य या अदृश्य, दूर या नजदीक, उत्पन्न या उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सुखपूर्वक रहें। ना परो परंग निकुब्बेथ नाते मंजेथ कत्थचि ना कच्ची ब्यारो सना पटिधत सज्जा नाते मज्जस दुख मिच्छे। अर्थात एक दूसरे की वंदना ना करें, ना किसी का अपमान करें, बेमनुष्य या विरोध से एक दूसरे से दुख की इच्छा ना करें।
माता यथा नियम पुत्तं आयुषा एक पुत्तमनुरक्षे एवं पि सब भूतेषु मानसं भावये अपरिमाण। अर्थात माता जिस प्रकार जान की परवाह ना कर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम भाव बनाए। बुद्ध कहते हैं, मेतंगच्च सब लोकस्म मानसं भावये अपरिमाण, उद्दं अधो च तिर्यंच असंवाद अवेर असपंतं। बिना बाधा बैर और शत्रुता के ऊपर नीचे और तिरछे संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ाएं। तिठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावत्तस् विगतो मुद्दो एतं संति अदिठेय ब्रह्ममेतं बिहार इदमारु। अर्थात खड़े खड़े रहते, बैठते या सोते, जब तक जागृत रहें तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए रखें। ऐसे 24 घंटे मैत्री भावना करने का तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है। एक भिक्षु ने पूछा, इससे लाभ क्या होता है? बुद्ध ने कहा, इसके कई फायदे हैं। पहला तो यह कि मैं तुम्हें गाली देने का अवसर नहीं दूंगा। दूसरा, तुम्हें बुरा ख्याल करने का अवसर ना मिलेगा, तुम्हारी शक्ति नियोजित हो जाएगी मंगल की दिशा में। दूसरा फायदा यह है कि जब तुम किसी के लिए मंगल कामना करते हो तो तुम उसके भीतर रिजोनेंस अर्थात प्रतिध्वनि पैदा करते हो, वह भी तुम्हारे मंगल की कामना से भर जाता है। भवतु सब मंगलं अर्थात समस्त विश्व का कल्याण हो। तो मित्रों, जान फिल्म प्रोडक्शन एवं हर्ष शक्या की ओर से आप समस्त धम्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।